साथ में पापा का भी है। तो वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसमें से जो है ना बहुत सारी चीजों की हिलने की आवाजें आ रही है, बहुत सारी चीज। हाँ, ये देखें मेगा फोयला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अभी तकरीबन भी 9 बजे का टाइम हो रहा है और नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया है। और मैंने आप सबसे एक बात करनी है कि कल हम गए थे किसी के घर पर और उन्होंने हमें इनवाइट किया था। काफ़ी टाइम से वो इनवाइट कर रही थी कि अंकल अदनान और नेहा आप तीनों हमारे घर पर आएँ और मतलब के खाना वगैरह खाएँ, और उनको शूट आउट भी चाहिए था। वैसे तो हमने बोला था कि हम ऐसे ही दे देंगे क्योंकि हम कोई पैसे वगैरह नहीं लेते, पापा ऐसे ही देते हैं और हमारा कोई इरादा भी नहीं है किसी से पैसे लेने का, क्योंकि पापा की नियत शुरू से यही है कि हर किसी की हेल्प की जाए। तो इस वजह से हम 15-20 दिन में किसी ना किसी की एक चैनल का नाम ले देते हैं। खैर, उन लोगों ने हमें बुलाया, कल हम चले भी गए थे और मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, दिल नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि मतलब के बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, दोनों पर्दे हिल रहे हैं, वो वाले कमरे का भी उड़ के यहाँ तलक आ रहा है और आसमान में बिल्कुल बादल ही बादल भरे पड़े हैं बारिश के। बारिश अल्लाह ना करे आए क्योंकि सर्दी वाला मौसम हो रहा है। सर्दी रात में इतनी हो जाती है ना, मैं आप सबको क्या बताऊं, क्योंकि रात में इतनी सर्दी हो जाती है ना मुझे, मैं यहाँ पर चारपाई पर सोता हूँ तो मुझे कंबल की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं पेटी से कंबल वगैरह निकालूंगा क्योंकि रात में भाई सर्दी लगती है और नींद सही तरह नहीं आती है। भाई अभी हो रहा है दोपहर का टाइम 2 बजे का और मैं जा रहा हूँ बाहर रोटी लेने, क्योंकि नेहा ने रोटी नहीं पकाई है और सालन तो घर में है गया, वो नेहा गरम कर रही है। और वहाँ से आने के बाद खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद हम नेहा और मैं आप सबको गिफ्ट अनबॉक्स करके दिखाएंगे जो कि हमें कल मिले थे। कल हम जिनके घर पे गए थे उन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे, पापा को, मुझे और नेहा को, तो वो गिफ्ट हम अनबॉक्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो खाना तो अभी हमने खा लिया है और खाना खाने के बाद जैसा कि भाई ने आपको बताया था कि हम गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे जो कल हमें मिले हैं, मुझे मिले हैं, भाई को मिले हैं, पापा को मिले हैं, तीनों को गिफ्ट मिले हैं। तो ये देखें इस थैले में ये चारों तीनों के लिए गिफ्ट हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े गिफ्ट हैं, तो पहले करेंगे भाई का गिफ्ट अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये भाई का चैनल है। भाई नहीं, ये रहा। तो भाई वैसे आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? पता नहीं, कुछ तो होगा। अच्छा हिला के चेक कर रहे हैं, कुछ तो होगा। हिलने की आवाज़। चलिए इसको अनबॉक्स करें, ये आपका गिफ्ट है तो आप खुद ही करें। आवाज़ तो हिलने की आ रही है, पता नहीं क्या चीज है, मुझे तो लग रहा है जब कोई सामान होगा तो हिलेगा ही ना अंदर, ऐसा तो नहीं बस यू यू करके हल्का हल्का सा हल्का हल्का सा हिले। देखते हैं क्या है। और जो है ना फिर मुझे भी दे देना, कभी ऐसा नहीं मुझे भूल जाना। ये देखें ये पर्स है और यहाँ जो है शनाख्ती कार्ड वगैरह रखने की जगह है, तो यहाँ अपना NIC रखना, आप यहाँ पैसे रखना जो कि कभी कभार मैं चेक भी कर लिया करूंगी कितने पैसे। चलिए इसको वापस रख लेते और अब मैं करती हूँ अपना गिफ्ट अनबॉक्स। ये है मेरा और साथ में पापा का भी है। तो वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसमें से जो है ना बहुत सारी चीज़ों की हिलने की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज। हाँ, ये देखें मेगा फोयला। वैसे क्या होगा, मेकअप होगा? मुझे तो लग रहा है आप खुशबू आ रही है मेकअप की। खुशबू आ रही है मेकअप की? खुशबू भी होती है? चलें शायद हो, हमें तो नहीं पता ना। अब क्या ये चप्पल होगी? चप्पल का डब्बा भी इतना ही है।
चप्पल का डब्बा इससे बड़ा होता है। छोटे बच्चों की छोटी चप्पल होती है, छोटे बच्चों की छोटी चप्पल होती है। स्पीकर का डब्बा, वैसे तो स्पीकर का डब्बा है लेकिन अंदर पता चलेगा अंदर क्या है। हाँ। हाथों के चुप गया, चलें देखते हैं क्या है इसके अंदर। बोल रहा था ना बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हाथ में आती है मेरे ये डायरी है शायद, या और कुछ होगा। मेकअप तो है नहीं, नहीं मेकअप है। मैं समझी डायरी और खुशबू भी आ रही है भाई इसमें। मैं बोल रहा था ना खुशबू आ रही है मेकअप की। ये देखें ये है मेकअप, इसमें आई शेड फेस पाउडर मिरर भी है, लिपस्टिक भी है, ब्लशर भी है, सब चीज़ें यानी कि इसके अंदर मौजूद। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी आ रही है इसमें से, जो कि आपने बोला था खुशबू आ रही है, मुझे तो मेकअप लगता है सिर्फ खुशबू ही आ रही है, बाकी काम का किसी भी नहीं है। चूना ऐसे बंद थी ना, मुझे लगा चूना मिल गया। और चूना मिल गया। चलिए जब आपकी बीवी आएगी ना फिर आपको पता चलेगा कि चूना होता है कि क्या होता है। और देखें इसके अंदर जो है ना मेरे लिए मास्क भी हैं, तीन मास्क हैं, एक दो और ये तीन। ये हैं स्कार्फ पिन जो कि मैं लगाती हूँ अक्सर दुपट्टा जब बांधती हूँ। ये पोनिया हैं, केचर, बहुत सारी चीज़ें हैं इस एक डब्बे में। यूँ समझे सारी के सारी मेरी हैं, मेरी ही हैं क्योंकि मैं ही हूँ। ये देखें इसके अंदर है टॉप्स, केचर, रिंग है इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मैं खोल के दिखाती हूँ, ऐसे तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या क्या है। हाँ ये देखें रिंग है इसके अंदर, केचर है और ये है टॉप्स, यानी कि तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। और देखती हूँ क्या है इसके अंदर, बस यही है। एक गेरा। नहीं नहीं ये तो कागज है ताकि वो खिले नहीं ना ज़्यादा इस वजह से। ये कागज था खिले नहीं इसलिए। और अब ये दूसरा गिफ्ट अनबॉक्स करती हूँ, दूसरा गिफ्ट। और अब ये दूसरा गिफ्ट अनबॉक्स करती हूँ, इसमें चेक करती हूँ इसमें क्या है। अनबॉक्स करने में हेल्प करें जल्दी जल्दी। तो इसके अंदर तो मुझे ये कोई पर्स वगैरह लग रहा है, लेडीज पर्स। हाँ ये पर्स से छोटा सा लड़की का। देखिए इसके अंदर ये है चेन जो कि इसकी साइड पे लगेगी है। और ये जो है ना बहुत ही प्यारा है चीते डिजाइन का और सॉफ्ट है सारा चेन। अच्छा है ना। चलिए लॉटरी लग गई, आपको पर्स मिल गया, मुझे भी पर्स मिल गया। अब देखते हैं पापा को क्या मिला है। इसकी ये चेन ना इसी के अंदर डाल दें, घूमना हो जाएगा। और ये है पापा का गिफ्ट, इसको भी मैं देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। वैसे तो ये काफी बड़ा है और भारी भी है। पापा का गिफ्ट सबसे बड़ा है। हाँ देखने में सबसे बड़ा है। अंदर है सूट जो कि शेरवानी डिजाइन का बना हुआ है ना। ये पूरा कढ़ाई वाला सूट है जो कि सामने की पट्टी भी है, इसमें कंठी भी है, पूरा सूट है और बहुत ही प्यारा है। ये देखें आगे पीछे से एक ही कलर का है लेकिन जो है ना ये आज तक पापा ने मेरे ख्याल से पहना नहीं है कढ़ाई वाला, लेकिन इंशाल्लाह इस बार पहनेंगे, इसको सिलवाएंगे और पहनने के लिए जरूर। देखते हैं फिर पापा को पसंद आता है या आपको आता है। वैसे तो पापा के लिए तो पापा ही पहनेंगे। तो जिन्होंने ये गिफ्ट दिया है मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ करा। कल हम उनके घर गए, इतने मज़े मज़े के हमें खाने खिलाए, इतना कुछ करा और ये साथ में जो है ना गिफ्ट भी दे दिया है। बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं यानी कि बहुत ही उन्होंने ख़र्चा कर लिया है अपना। और हमें भी जो है ना शर्मिंदा कर दिया है कि हम मिलने के लिए गए थे, हम मिलकर आ गए लेकिन उन्होंने इतना कुछ करा है हमारे लिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं उनका। भाई अभी टाइम हो रहा है रात 10 बजे का और दोपहर के बाद मैं काम से चला गया था और मैं अभी अभी घर में आया हूँ, इस वजह से मैंने दोपहर के बाद वीडियो नहीं बनाई। और मैं सिद्रा किचन ब्लॉग का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि
उन्होंने हमें इतने सारे गिफ्ट दिए और हमारा मतलब कि इतना ख्याल किया, हम उनके घर पे गए थे तो उनका दिल मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।